हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR हेल्थ। आई एम डॉक्टर मोहित। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन ई कैप्सूल की। क्या इसका इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल करा जाता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। इससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे, वीडियो में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, करें, शेयर करें, घंटे के पहले होता है, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल जब किसी के चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, त्वचा रूखी हो गई है, या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, होठों पे और या गालों पे कहीं पर भी खुश्की हो रही है, पिंपल्स हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए, तब विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से चेहरे पे ग्लोइंग स्किन आती है, चेहरे पे रौनक आती है, चेहरे का रंग साफ होता है, दाग धब्बे साफ हो जाते हैं, बाल अगर गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो वो भी इसे इस्तेमाल करने से रुक जाते हैं। ये एक विटामिन ई कैप्सूल है, ये हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। एवियन 400, यानी कि विटामिन ई इसमें 400 है। 10 कैप्सूल की स्टिक 27.03 रुपये की है। सस्ता कैप्सूल है, एवियन 400 नाम से मिलता है, ये हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका, अडल्ट में एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चों में जो अडल्ट से कम है, 18 साल की कम उम्र है, उनमें एक कैप्सूल। और इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, ये कैप्सूल निकाल के इसके अंदर जो लिक्विड है उसे अपने एलोवेरा में मिला के अपने चेहरे पे, अपने फेस पे लगा सकते हैं, जिससे कि चेहरे पे दाग धब्बे दूर होते हैं, चेहरा ग्लोइंग होता है, स्किन साफ़ होती है। और ये कैप्सूल निकाल कर इस तरीके से निकाल के इसको काट के इसके अंदर जो लिक्विड उसे निकाल के अब वो जो है अपने बालों में, जो बाल झड़ रहे हैं वहाँ पे भी इसे मालिश कर सकते हैं चेहरे बालों पे, जिससे कि झड़ते हुए बाल रुक जाते हैं। फिर नॉडी पर वीडियो है, इसे इस्तेमाल करने से डॉक्टर फैमिली डॉक्टर राय सलाह रहे हैं, फिर इसका इस्तेमाल करें। वैसे कि आमतौर पर इसका देखा जाए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला है, इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत ही माइनस, बहुत ही कम देखने को मिलता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।